दोस्तों, दुबई आज का सबसे फेमस शहर, इतना फेमस कि इसका नाम बच्चे बच्चे जानते हैं। हर व्यक्ति का ड्रीम डेस्टिनेशन दुबई बन चुका है। पहले सब लोग अमेरिका और लंदन जाना चाहते थे, लेकिन अब सब लोग दुबई जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो आपको दुबई के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ के किंग सलमान अब्दुल अजीज ऑल्सो ने दुबई को आज इतना डेवलप कर दिया है जो शायद ही कोई कर पाता और शायद ही कोई इन फ्यूचर में करेगा। सलमान अब्दुल अजीज बिन ऑल्सो दुबई के वाइस प्रेसिडेंट और यूए के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने दुबई को इतना खास बनाया है कि आप आज देख सकते हैं कि दुबई कहाँ है। यूएई में पूरे 7 इमिरेट्स हैं, उनमें से सिर्फ शायद दुबई ही ऐसा है जिसे आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ इतने सारे बिल्डिंग्स, ट्रैवल डेस्टिनेशन, बीच, रेत हैं जो आपके मन को मोह लेती है, जिसे आप अपनी जिंदगी में एक बार देखना जरूर चाहेंगे। लेकिन पहले दुबई ऐसा नहीं था, तो फिर दुबई कैसा था, इसके लिए आपको कुछ समय पीछे चलना होगा। ये बात है 1965 की, जब दुबई में कुछ नहीं था, चारों तरफ रेत ही रेत मौजूद थे। तब दुबई का नाम कोई नहीं जानता था, उस वक्त दुबई सिर्फ एक रेत का खदान था। लेकिन 1966 की खुदाई ने दुबई की किस्मत में एक उजाला बन के आया, जब दुबई में तेल की खोज हुई थी। यह वही दिन है जब से दुबई की किस्मत बदलना चालू हुआ। 1966 की खोज के बाद दुबई काफी खुश था, लेकिन दुबई उस टाइम तेल का एक्सपोर्ट शुरू नहीं किया। दुबई ने 1969 में तेल का एक्सपोर्ट चालू किया, वो भी सिर्फ 180,000 बैरल ही कर पाया। लेकिन दुबई ने हार नहीं माना, आखिरकार दुबई ने एक मिशन बनाया ऑपरेशन फला के नाम से, और 1972 से दुबई ने अपना ऑपरेशन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल मिशन चालू किया। लेकिन दुबई उस वक्त भी इतना फेमस नहीं हो पाया। दुबई धीरे धीरे रेत से ईंट वाले मकान की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे घर बनाना चालू किया। दुबई ने मेनमेड आइसलैंड बनाए, बीचेस बनाए और दर्जनों बिल्डिंग बनाई, तेल से खूब सारा पैसा छापा, लेकिन दुबई फिर भी उतना फेमस और सक्सेस नहीं हो पाया। फिर जब यूएई के प्रेसिडेंट सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल्सो, तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि दुबई फेमस और एक अलग पहचान बनाए। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उन्हें दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जाए जो दुनिया में सिर्फ एक पीस हो, वो भी सिर्फ दुबई में हो। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए और उनके साथ मीटिंग किया, लेकिन उन्होंने मीटिंग के बाद प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इतना ऊंचा बिल्डिंग बनाना कोई भी इंजीनियर रिस्क नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी सलमान अब्दुल अजीज ने बुरा नहीं माना, फिर से उन्होंने टॉप इंजीनियर को बुलाया और बिल्डिंग बनाने के लिए डिस्कस किया। इसके बाद वो इंजीनियर इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोले और फाइनली 6 जनवरी 2004 को इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया और इस बिल्डिंग का नाम वर्ल्ड टावर दिया गया और ये बिल्डिंग बनने लगी। और फाइनली 17 जनवरी 2009 को ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई। बनने के बाद इस बिल्डिंग का लुक काफी खतरनाक और डेंजरस था, क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग होना ये किसी अजूबा से कम नहीं था। यह बिल्डिंग बाहर से काफी खतरनाक लग रहा था, इसलिए लोग इस बिल्डिंग को बाहर के बजाय अंदर से देखना चाहते थे। इसलिए इस बिल्डिंग को 4 जनवरी 2010 को लोगों के लिए खोला गया, लेकिन उस वक्त वर्ल्ड टावर नाम था इसका, लेकिन उस वक्त इसका नाम चेंज कर दिया और चेंज करके शेख खलीफा रख दिया गया। लेकिन फिर दुबई पॉलिटिक्स की वजह से इसका नाम शेख खलीफा से बदलकर बुर्ज खलीफा रख दिया गया। उसके बाद दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ बुर्ज खलीफा। के बाद धीरे धीरे और बिल्डिंग बनना चालू हुई और देखते देखते आज दुबई के पास इतने स्काई टावर है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और धीरे धीरे दुबई काफी फेमस हो गया और आज दुबई क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं अगर दुबई से तेल खत्म हो गया तो क्या होगा, दुबई फिर गरीब हो जाएगा, फिर लोग दुबई को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन फ्यूचर दुबई से तेल खत्म हो जाएगा तो दुबई गरीब नहीं होगा, क्योंकि शेख अब्दुल अजीज ने इतना दिमाग लगाया है कि दुबई को ट्रेवल डेस्टिनेशन की तरफ लेके चले गए हैं और दुबई में इतना ट्रेवल डेस्टिनेशन बना दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं। दुबई के जितने इनकम ऑफ सोर्स है उसमें सिर्फ तेल से आने वाला इनकम सिर्फ 5% है। अगर इन फ्यूचर दुबई से तेल खत्म हो जाता है तो दुबई को सिर्फ 5% फर्क पड़ेगा और बाकी का 95% ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट से आता है, जो दुबई को दिन प्रतिदिन और अमीर बना रहा है। और दुबई इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये यूके अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा और आने वाले दिनों में दुबई एक अजीम शहर होगा जिसको पूरी दुनिया सलाम ठोकेगी। दोस्तों, ये था दुबई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ठोके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि ये जानकारी उन्हें भी मालूम चले। तो मिलते हैं किसी फ्रेश और कमाल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।